Are you looking for relevant healthcare information? Log on to MediCircle and watch experienced medical professionals talking on common healthcare topics. Stay informed. MediCircle में हम अपने दर्शकों के लिए सभी ट्रेंडिंग हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स लगातार लाते रहते हैं। एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए, आपको अवेयर करने के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज और व्यूज को आपके अटेंशन में लाना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। इस संबंध में हमारी मदद के लिए हम देश भर के टॉप के डॉक्टर्स के साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर स्पीक में आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी और इससे आपकी मदद करने के तरीकों के बारे में। तो हेलो, नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आप देख रहे हैं MediCircle। टुडे ऑन आवर होम्योपैथी अवेयरनेस सीरीज वी हैव डॉक्टर ए के गुप्ता विद अस। डॉक्टर ए के गुप्ता एक हाईली एक्लेम्ड और वेल नोन होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, जो 45 वर्षों से भी अधिक समय से पीड़ित ह्यूमैनिटी की सेवा कर रहे हैं। आप भारत एक्सीलेंस अवार्ड और मिलेनियम के इंटरनेशनल डॉक्टर हानिमन अवार्ड के रेसिपियंट भी हैं। ए के जीज ओवी हैम्स आपका ब्रेन चाइल्ड है और वे कई यंग और एस्पायरिंग होम्योपैथी डॉक्टर्स के लिए गाइडिंग लाइट के समान है। यू आर ऑल्सो अ फॉर्मर नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ दिल्ली होम्योपैथिक एडवाइजरी कमिटी एंड होम्योपैथिक बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। यू आर ऑल्सो प्रेसिडेंट होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया दिल्ली स्टेट। इट इज अ प्रिविलेज टू हैव हिम ऑन MediCircle टुडे। आपका स्वागत है सर। डॉक्टर गुप्ता, हाउ आर यू टुडे? नमस्कार, थैंक यू, आई एम फाइन। तो सर, आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी के बारे में। तो पहला प्रश्न जो कि स्वाभाविक है और सभी यही जानना चाहते हैं, ये होम्योपैथी काम कैसे करती है सर? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में हमने कल डॉक्टर हेनमैन्स बर्थडे बनाया था, वर्ल्ड होम्योपैथी डे था, और यहाँ पे काफी रिसर्च वगैरह के पेपर भी थे और ये हमें लोगों को अवगत कराने के लिए कि होम्योपैथी के बारे में क्या है, कैसा है। ये काफी लोगों की कुछ कुछ भ्रांति है कि होम्योपैथी दवाई काम करती है तो कैसे करती है। इसके लिए वर्ल्ड रिनाउंड जो नोबेल प्राइज विनर हैं लुइस मार्टिन, उन्होंने भी एक अपने जो जिन्होंने HIV एड्स की खोज करी थी, और उन्होंने भी बाद में ये बताया कि जो उसमें वाटर में उसकी सूक्ष्मता है वो अपने उसमें रह जाती है बाद में भी, जितना आप उसको सूक्ष्म करते हो। तो होम्योपैथी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है सिमिलर सिमिलिवस क्वेरेंटर, जो कि डॉक्टर हेनमैन ने दिया था कि लेट लाइक्स बी ट्रीटेड बाय लाइक्स। उनका ये जो बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर किसी व्यक्ति को कुछ विशेष लक्षण है उसको सिर्फ वही दवाई सूट करेगी या वही दवाई जो ठीक करेगी जो दवाई वो किसी एक स्वस्थ व्यक्ति में देने पर लक्षण पैदा करती है। तो अगर वही सिम्टमेटोलॉजी उनके साथ है, तो सिमिलैरिटी में है, तब वो दवाई उसको ठीक करती है। उसके बाद बात आई थी कि जो हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत मिन्यूट डोजेज में होती हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग बाग जो बड़े बड़े कैप्सूल गोलियां और इंजेक्शंस लेते हैं तो उनको कई बार देखने में लगता है कि होम्योपैथी की छोटी छोटी गोलियां ये हमारे शरीर पे कैसे असर करेंगी। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो बेसिक प्रिंसिपल है कि वो डायनामाइजेशन का, कि ये होम्योपैथिक दवाइयाँ दिखने में चाहे सारी एक सी लगती हैं परंतु वो एक सी होती नहीं है। उनका जो बेसिक बनाने का तरीका है वो डिफरेंट प्लांट से, डिफरेंट मिनरल से, डिफरेंट एनिमल किंगडम से, वो प्राकृतिक तरीकों से बनाई जाती हैं। उनको कुछ पॉट पोर्शन लेके उसके बाद उनका एक ट्रैचुरेशन या पोटेंडाइजेशन का वो किया जाता है प्रोसेस, जिससे दवाई जितनी उसमें सूक्ष्म रहती है उसकी ऊर्जा और बढ़ती जाती है। दैट इज वॉट वी से होम्योपैथी वर्क्स इन अ डायनेमिक प्लेन, नॉट ओनली ऑन द फिजिकल प्लेन, विच इज द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर द होम्योपैथी, सिंस इट इज अ डायनेमिक साइंस। एंड उसकी जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट भी डायनेमिक लेवल पे ही होता है कि जैसे कि हम जो एक दवाई लेते हैं, अगर आप उसको केमिकली एनालाइज कराएं तो यू मे नॉट फाइंड एनी एटम ऑफ दैट पर्टिकुलर मेडिसिन। तो इसलिए लोगों को लगता है कि शायद इसमें कुछ दवाई तो है ही नहीं। यही चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कुछ साइंटिस्ट को भी भ्रमित करती है कि जब आप उनको केमिकली एनालाइज करते हैं या इट गोज बियॉन्ड एवोगाड्रोस नंबर, तो उसमें उसका कोई वही नहीं है, कण ही नहीं है, तो उसकी पावर कैसे हो सकती है। तो ये चीज हमने वो देखा और इस बात को
मोगलर ने भी साबित करा कि अगर जैसे हम किसी चीज को जितना डायनामाइज करते जाते हैं, जितना हम उसको सूक्ष्म तौर पे वो करते हैं, तो उसकी जो एटॉमिक ब्रेकेज है वो जरूर ब्रेक होती है, बट वो एनर्जी ज्यादा लिबरेट करता जाता है। इसमें हमारे में आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि कहना चाहूंगा कि जैसे न्यूक्लियर बम है, अगर आप देखें कि न्यूक्लियर बम कितना बड़ा होता है, कोई बहुत बड़ा नहीं होता, परंतु उसकी जो एफिशिएंसी है या एफिकेसी है, इन अ रॉन्ग सेंटेंस इट इज डिजास्ट्रस। तो यहाँ पे जो होम्योपैथी के जो डायनामाइजेशन है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिएशन ऑफ दैट, बट इट इज इन अ कंस्ट्रक्टिव फॉर्म, इट इज नॉट इन डिस्ट्रक्टिव फॉर्म। न्यूक्लियर बॉम्ब इज अ डिस्ट्रक्टिव वन, बट न्यूक्लियर एनर्जी को अगर आप दूसरी तरह यूज करते हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, वही एग्जैक्टली इट इज एन एनर्जी। जैसे अगर हम एक बहुत छोटी सी बात आपसे पूछेंगे, लाइक अगर हम लाइट जलती है, देयर इज अ लाइट, यू कैन विद द सेम लाइट यू सी द रेफ्रिजरेटर इज वर्किंग, विद द सेम लाइट यू सी द हीटर इज वर्किंग, बट लाइट रिमेन्स द सेम, द इफेक्ट्स आर टू डिफरेंट। तो ऐसे जो हमारी एंड नोबडी हैज सीन द इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव सीन द इफेक्ट्स। ऐसे ही जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका इफेक्ट देखने में आता है, पर अगर आप देखना चाहो तो उसको इलेक्ट्रिसिटी देख नहीं सकते, उसका प्रभाव देख सकते हैं। ऐसे ही होम्योपैथिक दवाई का प्रभाव देखा जा सकता है, उसको देखना अभी लोगों के लिए शायद संभव नहीं है, क्योंकि अभी तक उनकी विचारधारा उस लेवल पर पहुंची नहीं है। राइट, मुझे लगता है यहाँ पर एक शब्द होगा शायद लेटेंट, कि इसमें है उसकी एफिकेसी लेटेंट होती है और जो हमें दिखती नहीं है, वो लेटेंट हीट या एनर्जी के रूप में बाद में वर्क करती है, एंड वी थिंक कि जो चीज है वो बहुत छोटी है, स्मॉल है, लेकिन उसका असर बहुत ज्यादा होता है, मैनीफोल्ड होता है। जी सर, अभी जब हमने इस पे बात की और आपने एक शब्द भी बोला कि लोगों को बहुत प्रकार की भ्रांतियां होती हैं, तो हमारे दर्शकों के माध्यम से हमें लगातार कई प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं, और सभी तरीके की पैथीज के लिए और सभी प्रकार के मेडिकेशंस पे, डॉक्टर से विभिन्न विषयों पर आती हैं। एक सवाल और भी है डॉक्टर साहब, जो हमेशा होम्योपैथी के डॉक्टर से पूछा जाता है, कि क्या होम्योपैथी किसी बीमारी को जल्दी क्योर भी कर सकता है क्या? हाँ, ये मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि होम्योपैथी दवाई बहुत समय लगाती है ठीक करने में, परंतु एक्चुअली होता ये है कि होम्योपैथिक डॉक्टर के पास एक मरीज जाता ही बहुत देर के बाद है, जब वो अपनी तरफ से सारे इलाज कर चुका होता है, एलोपैथी कर चुका होता है, आयुर्वेदिक कर चुका होता है, घर के टोटके भी कर चुका होता है, और फिर अगर उसको बारी बारी प्रॉब्लम होती रहती है तब वो इस होम्योपैथिक डॉक्टर के पास पहुंचता है, और ये सोच के पहुंचता चलो फायदा नहीं होगा तो नुकसान तो नहीं होगा, लास्ट रिसोर्ट के तौर पे। क्योंकि जो मॉडर्न मेडिसिन या कन्वेंशनल ट्रीटमेंट की जो दवाइयां ली जाते हैं उनके साथ साथ उनके दुष्प्रभाव भी नजर आने शुरू हो जाते हैं, या पेशेंट की जो एक प्रॉब्लम के लिए गया था वो प्रॉब्लम ठीक हो गई तो दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई, और वो रिपीटेडली चक्कर लगाते रहते हैं, लास्ट में थक हार के वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तो ऐसे टाइम पे जो बीमारी है वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रह जाती, वो काफी हद तक कॉम्प्लिकेटेड या क्रॉनिक हो चुकी होती है। तो ऐसे समय में जो हमारे पास मरीज आता है वो उस एक बीमारी के लिए नहीं, वो काफी कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम को लेके आता है, बहुत सारी चीजों को लेके आता है, और जो हमारा ट्रीटमेंट होता है वो बीमारी के लिए नहीं, बीमार के लिए होता है। दैट इज अनदर बेसिक डिफरेंस ऑफ होम्योपैथी एंड एनी अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन, दैट होम्योपैथी ट्रीट्स द मैन नॉट द डिजीज, बिकॉज मैन इज मोर इम्पॉर्टेंट नॉट हिज ऑर्गन, बिकॉज यू आर देयर नॉट बिकॉज ऑफ योर लिवर, बल्कि लिवर आपका है बिकॉज यू आर देयर, तो इसलिए वॉट इज इम्पोर्टेंट इट इज यू, सो वी ट्रीट द पेशेंट हु हैज अ प्रॉब्लम इन हिज लिवर, नॉट द पेशेंट हु हैज अ प्रॉब्लम इन द लिवर। आप लिवर की दवाई दे रहे हैं उससे मरीज ठीक नहीं होगा, वहां पे लिवर में जरूर थोड़ा फर्क पड़ सकता है। तो यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो यही है समझने वाली, कि जब वी ट्रीट द मैन इन डिजीज तो उसमें उनके जो लक्षण होते हैं वो जो या सिम्टम्स होते हैं बेसिक डिजीज के तो होते ही होते हैं, परंतु आपने देखा होगा कि एक ही मरीज बीमारी के मरीज को मॉडर्न मेडिसिन में करीब करीब सबको एक सी दवाई दी जाती है, जेनरिक मेडिसिन होती है सबके लिए। हो सकता है कंपनी का नाम कुछ कोई सस्ता वाला हो महंगा, पर जेनरिक मेडिसिन रिमेन्स द सेम, बट दिस इज नॉट द केस इन होम्योपैथी, बिकॉज होम्योपैथी इज अ बेसिकली टेलर मेड और इंडिविजुअलाइज्ड सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट विच इज गिवन टू द पेशेंट्स इंडिविजुअलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। उस कॉन्स्टिट्यूशन में हम पेशेंट के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल एंड बाकी सर्कमस्टेंशियल वो एस्पेक्ट्स को सबको कवर करते हैं,
आपने कई बार देखा होगा कि किसी पेशेंट को एक सिर दर्द होता है तो आमतौर पर सिर दर्द वाले पेशेंट को कहा जाता है कि आप शोर से और लाइट से और तेज चीजों से बचे, बिल्कुल ठीक बात। परंतु कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं, आप उनको सबको एक पेन किलर दे देते हैं, वो पेन किलर देते हैं तो थोड़ी देर के लिए आराम आ जाता है। पर जो एक पेशेंट है जिसको हमारे पास आता है, उसको भी पेन किलर लेता था, आराम आता था, पर प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके जो विशेष लक्षण थे उसकी वो ये थी कि जब कभी वो शोर में जाता है या जोर की आवाज में तो उससे हृदय तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये एक बड़ी अनहोनी सी सिचुएशन है, तो इस जिसके लिए कि एक मॉडर्न मेडिसिन में इसके लिए कोई उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, पर होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इंडिविजुअलाइजेस दैट पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पेशेंट ऑफ हेडेक्स, एंड उसके लिए एक स्पेसिफिक दवाई अलग ढंग से दी जाएगी, चूज करी जाएगी, जो कि उस व्यक्ति विशेष के लिए होगी। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि उस ट्रीटमेंट पे अगर आपने लक्षण अपने पूरे सही समय में सही बताए हैं और पेशेंट का जो ऑब्जर्वेशन है डॉक्टर का उसकी अच्छे ढंग से लिए गए, तो वो जो चयन की गई दवाई है वो तुरंत असर करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वी हैव सीन हमने एक ही चीज ओवियम क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट को ऐसा देखा जिनको कि एक्यूट कंडीशन में आए और विद इन फ्यू डोजेस द पेशेंट हैज बिकम कम्प्लीटली ऑल राइट। तो ये कहना कि होम्योपैथी दवाई हमेशा ज्यादा समय लेती है ये गलत है। वो सिर्फ इसलिए होता है कि जब पेशेंट आता ही बहुत क्रॉनिक कंडीशन में तो उसमें ये स्वाभाविक है कि उसको समय लगता है, क्योंकि हमें उसको ओरिजिनल कंडीशन में लाने में ही प्रॉब्लम को इट टेक्स टाइम। एंड एट द सेम टाइम जो कुछ लोगों को ये भी भ्रांति है कि पहले दवाई देने से बीमारी बढ़ती है, तो वो कई लोग होम्योपैथी का इलाज इस वजह से भी नहीं कराते कि वो सोचते हैं कि हमारी ये सुनने में आया कि पहले डॉक्टर दवाई देगा तो बीमारी बढ़ेगी फिर उसके बाद ठीक होगी। तो यहाँ पे मैं आपके माध्यम से ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति को क्लियर करना चाहूंगा कि ये वाकई में ऐसा नहीं है। इसके लिए जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि होम्योपैथी की दवाई जबकि हम कहते हैं सिमिलर सिमिलियस कुरेंटर, तो मीन्स लेट सिमिलर बी ट्रीटेड बाय द सिमिलर। सपोज आप पेशेंट को ए बीमारी है तो वी ट्राई टू गिव अ मेडिसिन कॉल्ड ए डैश। जब आपके ए डैश मेडिसिन देते जो सिमिलर है इन मैनिफेस्टेशन बट डिफरेंट इन काइंड, तो वो जब आपकी बॉडी में एक ए और ए डैश में लड़ाई होती है समझ लो, तो वो विच एवर इज स्ट्रॉन्गर इट विल रिपेल ईच द अदर वन। दिस इज थ्योरी ऑफ डार्विन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जी बिल्कुल। तो और दूसरी चीज है एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, तो वो या तो ए रहेगा या ए डैश रहेगा। जब ए डैश जो कि स्ट्रॉन्गर है, टेम्परेरी है एंड आर्टिफिशियल है, वो ए को शरीर से बाहर निकालता है, तो जब वो ए और ए डैश दोनों आते हैं तब शरीर में थोड़ी सी लगती है कि अब जो ए को तो बर्दाश्त कर रहे थे ए डैश और आया, तो थोड़ी देर के लिए उसको लग सकता है कि शरीर में दिक्कत बढ़ी। बट जैसे ही वो अगर वो सिमिलर है और ये उसको उसे बाहर निकालता है, देन द पेशेंट विल बी एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम ए एज वेल एज ए डैश। और दूसरी ये चीज जिसको हमें होम्योपैथिक एग्रेवेशन भी कहते हैं कि अगर क्योंकि जब एक मरीज आता है उसमें हर चीजों की सप्रेशन हुई भी होती है, पहले कुछ ट्रीटमेंट दिया फिर कुछ लिया फिर कुछ लिया तो सप्रेस्ड है। तो क्योंकि जो होम्योपैथी का प्रिंसिपल है, जो ट्रीटमेंट का पार्ट है, इट स्टार्ट फ्रॉम सेंटर टू पेरिफ्री, तो जब वो सेंटर से इफेक्ट करता है तो बाहर की जितनी चीजें हैं वो पहले जो सबसे लास्ट में थी वो सबसे पहले जाएगी एंड जैसे अनफोल्ड करते हैं, दिस इज हाउ इट गोज लाइक दैट। और दूसरी चीज अगर आप ये कहेंगे कि किसी मरीज की कोई बीमारी तो पहले बाहर निकलेगी, तो सपोज कोई अगर मरीज अपने हेयर फॉल के लिए आता है तो कतई ऐसा नहीं कि आपके पहले सारे बाल उतरेंगे फिर आगे आपके बाल आने शुरू होंगे, ऐसा ऐसा कतई नहीं है डॉक्टर साहब। हाँ, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपने इस उत्तर का अंत किया है, लेकिन बात आपने बहुत काम की है और पूरा कुल मिला के मुझे लगता है निष्कर्ष ये निकलता है कि होम्योपैथी मेडिसिन इसलिए आपको लगता है कि जल्दी काम नहीं करती है लेकिन काम करती है, क्योंकि एक तो वो बहुत सारी पेरिफेरी के जितनी भी आपकी बीमारियां हैं सप्रेस बीमारियां उन सब पे वर्क कर रहा होता है, साथ ही वो आपको एज अ होल पर्सन ठीक करने की कोशिश करती है। तो आपको इमीडिएट कुछ असुविधाएं होती हैं लेकिन वो बेसिकली रूट कॉज पे सारी पेरिफेरी पे एज अ होल एक ह्यूमन को ठीक करने की कोशिश करती है। तो होम्योपैथी कभी कभी ज्यादा टाइम लेती है लेकिन अगर प्रॉपर डायग्नोसिस हो, सही ऑब्जर्वेशन, अगर आप बिना कुछ छुपाए डॉक्टर से होम्योपैथी के अपने डिस्कस करते हैं अपना पूरा हालचाल, तो मेरे ख्याल से वो तुरंत पिन पॉइंट करते हैं
और उस डायग्नोसिस के बेसिस पे अगर वो आपको मेडिसिन देते हैं तो आपको विद इन डोजेस भी फायदा मिलता है। सो डॉक्टर गुप्ता जी, बल्कि मैं आपको एक चीज यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा। हाँ जी। जो लोग क्रॉनिक बीमारी के लिए बाद में होम्योपैथी के पास आते हैं, तो सपोज अगर पेट की बीमारी के लिए लेके आए थे, तो पेट की बीमारी तो जब उनका इलाज पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे किया जाता है, तो उनकी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती जिनका उन्होंने जिक्र तक नहीं किया होता, क्योंकि जैसे स्किन की प्रॉब्लम थी, या क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, इट इज अ क्लिंजिंग प्रोसेस विच स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से पेरिफ्री में जाते जाते जितनी चीजें रास्ते में थी वो अपने आप धीरे धीरे वो भी क्लियर हो जाती है। तो दिस इज अ वेरी अनदर वेरी बिग एडवांटेज ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। राइट। अब एक और प्रश्न है डॉक्टर साहब, जो नॉर्मली लोग पूछते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन लेने पर क्या उसके साथ और कन्वेंशनल मेडिसिन को एक साथ लिया जा सकता है, या उन्हें बाकी सब कुछ बंद करके ही होम्योपैथी पे स्विच होना चाहिए? हाँ, ये एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि आज के इस युग में जबकि बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, या जैसे लाइक डायबिटीज है, ओबेसिटी है, थायराइड है, कैंसर है, या क्रॉनिक किडनी डिजीज की प्रॉब्लम है, जिसके लिए पेशेंट्स ऑलरेडी दवाइयों पे डिपेंडेंट हैं, एंड दे बी डिपेंडेंट फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स। तो जो मरीज हमारे पास आते हैं और वो कुछ ऐसी डिपेंडेंट दवाइयों पे हैं, तो कैटलिफ मैं तो एडवाइज नहीं करता कि आप उनको एकदम से छोड़ें, और ना ही मैं चाहता हूं कि उनको किसी और, जो हमारे कोलीग्स हैं, दे आल्सो वुड एग्री विद मी कि उनको इमीडिएटली छोड़ना कैन बी डेंजरस एंड हार्मफुल फॉर द पेशेंट, बिकॉज पेशेंट की जो थ्रेशहोल्ड है वो ऑलरेडी लो है। तो ऐसे टाइम पे जिन चीजों की डिपेंडेंसी थी उन मरीज की उन दवाइयों से, तो उनको छोड़ने पे उनको नुकसान हो सकता है। तो हाँ, हम जरूर अलाउ करते हैं और ये कहते हैं कि ये आप लें फॉर द टाइम भी साथ साथ लेते रहें। और ये जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट जब देना शुरू करते हैं, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग केस आपको बताऊंगा कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं, तो उनकी उन चीजों की डिपेंडेंसी धीरे धीरे अपने आप कम होनी शुरू हो जाती है, और कुछ समय बाद वो दवाइयाँ लेना बंद भी कर सकते हैं। पर ये मेरा कहने का मतलब, इट शुड नॉट बी टेकन इन अ लिटरल मीनिंग कि कोई अगर एलोपैथिक दवाइयां खा रहा है और होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाता है तो वो अपने आप दवाई बंद कर दे, ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। बल्कि हमने अपने ये इक्विलिब्रियम क्लिनिक्स में बहुत सारे मरीजों के साथ ये ऑब्जर्व करा, जो पेशेंट डायबिटीज के या ब्लड प्रेशर के या थायराइड के या कैंसर के थे, तो वो उनको डिपेंडेंसी चल रही थी, तो अब उनको वो दवाइयां जो असर कर रही थी, उन दवाइयों ने असर करना बंद कर दिया, और उनको अब और पोटेंट दवाइयां देनी पड़ रही हैं, या सेकेंड जनरेशन की दवाइयां देनी पड़ रही हैं, या उनके जो सॉल्ट्स हैं उनको और स्ट्रॉन्गर देने पड़ रहे हैं। तब और जब वो होम्योपैथिक डॉक्टर के हमारे पास क्लिनिक में आए, हमने उनका पूर्ण होलिस्टिक अप्रोच में ट्रीटमेंट शुरू करा, पूरा उनका केस टेकिंग, डीप केस टेकिंग ली, एंड वी ट्राई टू गो टू द रूट कॉज जहाँ पे। और अक्सर हमारे को देखने में मिलता है कि इट इज देयर इज समवेयर डाउन द लेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द माइंड और सम डिसकंफर्ट एट द माइंड व्हिच हैज लेड टू द डिजीज इन लेटर फॉर्म। तो अगर आपने उन चीजों को वो चेक कर लिया और उसके आधार पर दवाई दी, तो वो पेशेंट की जो इम्यूनिटी है, सेल्फ डिफेंस सिस्टम है, वो उसको इम्प्रूव करता है, उसको बूस्ट करता है। और हमने वो देखा कि जो जिन पेशेंट की जो एलोपैथिक दवाइयाँ खा रहे थे और अब उनको असर करना बंद कर दिया, तो जब हमने होम्योपैथिक दवाई दी और कुछ अर्से बाद उनको वही दवाइयों ने दोबारा असर करना शुरू कर दिया और वो ठीक ठाक हो गए। और यहाँ तक कि जो पेशेंट्स कैंसर के हैं जिनको रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी की प्रॉब्लम दी जाती है और वो उनको झेल नहीं पाते, इवन द फ्यू केसेस ऑफ डायलिसिस, जब उनको एक्यूट कंडीशन में होती है तो उनको किसी को वॉमिटिंग हो जाती है, हेडेक्स होता है, नौशिया होता है, और या एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ गया या लो हो गया, और ऐसे कैंसर में भी मुंह में छाले हो रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, प्रोफाउंड वीकनेस है, वॉमिटिंग है। तो हमने उनको होम्योपैथिक मेडिसिन दी तो वो उन चीज़ों को झेल पाए। तो यहाँ पे एक आपके इस क्वेश्चन का बहुत बड़ा आंसर है कि होम्योपैथी कैन बी यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन आल्सो टू दोज पीपल हु आर टेकिंग सम ड्रग डिपेंडेंट कंडीशन में हैं किसी की वजह से भी, तो ये उनको एज एन कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं। हालांकि कुछ जैसे मैं बताया कैंसर के कुछ लोग तो कंप्लीटली होम्योपैथी से भी ठीक हो जाते हैं, पर जो सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज के पेशेंट आते हैं,
तो वहां पे हम उन पेशेंट को होम्योपैथिक दवाइयां देते हैं तो उनको उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होती है और आई मीन आई कैन से टू सम एक्सटेंट एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ ऑल्सो गेट्स इंक्रीज बट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उनकी जो टॉलरेंस ऑफ द ट्रीटमेंट द कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो कि उसकी वजह से बॉडी इतनी क्षीण हो गई थी या इतनी लो एप पे चली गई थी दैट गेट्स बूस्टेड अप एंड दे आर एबल टू टेक अप द बेस्ट हेल्प ऑफ दोज मेडिसिन तो यहाँ पे एक अगर हम इस चीज को माने तो हम इन दोनों चीजों को एलोपैथिक और होम्योपैथिक का समन्वय भी कर सकते हैं पेशेंट की वेलफेयर के लिए ना कि हमें ये कहा जाए कि सिर्फ आप एलोपैथिक तो एलोपैथिक करो होम्योपैथिक या होम्योपैथिक करो तो ऐसा नहीं है बिल्कुल एक्सक्लूसिविटी नहीं है हाँ और वैसे भी आपने बहुत सही बात की कि किसी भी मेडिसिन को हमें ग्रेजुअली छोड़ना होता है ग्रेजुअली ही इंक्रीज करना होता है तो ऐसे में अगर आप ऑलरेडी आपने बताया ना लाइफ डिपेंडेंसी वाली कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो आप उसको ग्रेजुअली ही कम कर सकते हैं और ग्रेजुअली ही होलिस्टिकली अपने आप को ठीक कर सकते हैं अचानक से किसी भी चीज को तुरंत बंद करना या शुरू करने से आपके ऊपर कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं सो मेरा आपसे अगला प्रश्न है डॉक्टर साहब ये सही होम्योपैथिक रेमेडी जो है जिसकी हम लगातार बातें कर रहे हैं ये एक डॉक्टर कैसे जज करता है कैसे खोजता है किसी एक मरीज के लिए थोड़ा सा इसको हिस्सा आप अगर आप लाइट डालेंगे तो अच्छा लगेगा हमें ये एक होम्योपैथी को हम आई मीन इसीलिए कहते हैं होम्योपैथी इज साइंस एंड आर्ट साइंटिफिक इट इज इन नेचर एंड आर्ट इन प्रैक्टिस अब जो प्रैक्टिस की बात है आर्ट की जो आपने पूछा ये मतलब एक होम्योपैथिक डॉक्टर कम से कम 5.5 साल पढ़ता है और प्रैक्टिस करता है और सीखता है तब जाके उसको आता है कि कैसे दवाई चेंज की जाए और आप एक ही मिनट में पूछें खैर एनी मैं फिर भी बताता हूँ क्योंकि क्योंकि जो 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 एक ये है होम्योपैथी की दवाई लेना और देना देयर टू डिफरेंट थिंग्स होम्योपैथी दवाई कोई भी ले सकता है दे कोई भी सकता है जैसे आप कहते हैं कि आमतौर पर हेडेक हुआ सेल डाउन ले लो ठीक हो जाएगा ठीक हो गया ऐसे ही होम्योपैथी की दवाई में अगर आप कहो कि मेरे को सिर दर्द है तो कोई दवाई दे दो तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि कोई ऐसी दवाई बताना कि जो हमें सिर दर्द के लिए दे दे पेटेंट वाली एक जेनेरिक या ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं है हाँ ओवर द ये एक हमारे लिए आई मीन बहुत बड़ी चैलेंज है बहुत बड़ा नुकसान है और बहुत बड़ा फायदा है इसको आप जिस मर्जी ढंग से ले सकते हैं फायदा इसलिए बिकॉज ऑफ दिस वी हैव गॉट अवर ओन आइडेंटिटी नुकसान इसलिए जब आपका कोई घर का बंदा या आपके यार दोस्त आपको फोन करे और कहे यार मेरे को ये तकलीफ हो रही है तो दवाई बता दे तब यू आर इन मैन फिक्स कि उसको कौन सी दवाई बताऊं तब हम जब उनसे लक्षण पूछना चाहते हैं बिकॉज वी वुड डेफिनेटली लाइक टू इंडिविजुअलाइज जैसे मैंने पहले बारी में कहा था कि होम्योपैथी की बेसिक जड़ ही यही है कि अगर आप इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच में जाते हैं तब आप उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली कर सकते हैं अब जैसे सपोज किसी को सिर दर्द में आई मीन सिर दर्द की बात करते हैं जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था किसी को राइट साइड हो रहा है किसी को लेफ्ट साइड हो रहा है किसी को हेडेक के साथ वॉमिटिंग हो रही है किसी को हेडेक के साथ वॉमिटिंग नहीं है तो ये सिम्टम्स हैं जिनके ऊपर आई मीन बिकॉज वी आर नॉट गिविंग एनी पेन किलर पर से जबकि बाकी जगह पर क्या होता है कि वो कोई भी चीज़ है उसकी एंटी दवाई दी जाती है अगर अगर आपको पेन हो रहा है तो आपने पेन किलर दे दिया पेट में दर्द है तो आपने एंटी स्पाजमोटिक दे दिया आपने डायरिया तो एंटी डायरियल दे दिया वॉमिटिंग है तो एंटी वॉमिटिंग दे दी तो वो उसको रोक रहा है सप्रेस कर रहा है यही फर्क है कि जो क्योर नहीं कर रहा है जी जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है वो आपको दबा देता है वहीं पे प्लग करता है प्रॉब्लम को सर वहीं पे फॉर द टाइम बीइंग जबकि होम्योपैथी में अब हम उसके कई बार हमें इसका आई मीन हर जाना भी भुगतना पड़ता है कि इनसे कि जो घर वाले कहते हैं यार कितना पूछोगे इतनी इतनी में तो हमें मेरी दर्द वैसे ही ठीक हो जाएगी कि अगर आप क्वेश्चन पूछो बिल्कुल सही बात है ये समटाइम बट नॉट जो लेटेस्ट बट नॉट फॉर द रीजनेबल पेशेंट फॉर नॉट फॉर द यस ऑब्वियसली आई मीन हु हैज सर्टेन ब्रेन्स कि हाउ से ठीक होना है द आइडिया इज टू गेट क्योर्ड ऑफ इट कंप्लीटली ऑब्वियसली दिस आई सेड जस्ट इन ऑन अ लाइटर नोट उसमें अगर आप जो आई मीन वो लेते हैं
पूरी सिम्टम लेते हैं, तब आप उसकी कोशिश करते हैं कि जो प्रॉब्लम उसकी शुरू हुई तो कैसे हुई। अगर वी आर एबल टू पिन पॉइंट द रूट कॉज ऑफ या उसकी जो एलिमेंट शुरू हुई उसकी किस वजह से शुरू हुई, सर्कमस्टांसेस की वजह से या कुछ, तो हमारे ट्रीटमेंट में बहुत आसानी हो जाती है। परंतु कई बार क्या होता है कि पेशेंट पूरी दवाई अपने लक्षण बता नहीं पाता, वो सिर्फ कहते हैं मेरे को तो मेरे लिवर में दर्द है, मेरे पैंक्रियाज में ही हो रहा है, मेरी किडनी में ही हो रहा है। तो ये एक बड़ी सुपरफिशियल चीज हो जाती है जहाँ पे कुछ ये कहना मुश्किल है कि आप उसको दवाई क्या दें। और पहली बात तो ये जो लैंग्वेज है कि वो मेरी किडनी और मेरी कई बार लोग जो आजकल के जो स्टेट है, लोग गूगल कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें सुनी सुनाई करते हैं और वो अपने आप ही आधे से ज्यादा डॉक्टर खुद बन के आते हैं जब होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो दे वुड लाइक टू टॉक इन मेडिकल टर्म विदाउट गिविंग द रेलिवेंट सिम्टम्स टू द डॉक्टर, दे वुड डिस्कस द अदर थिंग्स। तो वहां पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि उनको ये समझाना, बट नेवरदलेस इट इज नॉट ऑल दैट इम्पॉसिबल, बट यस इट बिकम डिफिकल्ट एट टाइम्स। द डॉक्टर हैज टू टैकल इट वेरी टैक्टफुली, और उसको बताया जाता है कि ये होम्योपैथी की जो ट्रीटमेंट है उसमें कोई पेटेंट दवाई नहीं है, क्योंकि ओवर द फोन आपने पूछा इसकी कोई दवाई बता दो, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। वो हो सकता है आपको फर्क डाले, हो सकता है फर्क ना डाले इसलिए क्योंकि अगर वो लक्षणों के आधार पर चैन की भी सिमिलर नहीं है तब वो असर नहीं करेगी, तो इसलिए आप उसको कहेंगे कि वो होम्योपैथी फेल हो गई। तो ऐसा नहीं है, वो होम्योपैथी फेल नहीं हुई, होम्योपैथी की वो वाली दवाई फेल हुई जो दी गई, क्योंकि वो करेक्ट दवाई थी ही नहीं। दिस इज द जिस्ट ऑफ द होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और जो क्वेश्चन आपने पूछा कि अगर वो सिमिलर नहीं है, इट मे गिव यू पार्शियल रिलीफ बट इट मे नॉट गिव यू कंप्लीट रिलीफ। तो अगर पार्शियल रिलीफ के लिए कोई जो दवाई है, जैसे आपने बहुत पेट में दर्द हो रहा है, आप कुछ दवाइयों के नाम ले सकते हैं, कोलोसिन ले लिया, चाइना ले लिया, मैग्नीफॉस ले ली, तो ये उनको दे सकते हैं। पर वो अगर उनके लक्षणों के आधार पर दी जाए तो एक दवाई होगी जो उनके लिए पूरी फिट बैठेगी और वो उनको कम्प्लीटली ट्रीट भी करेगी और क्योर भी करेगी। चलिए डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से और बहुत सारी जानकारी आप लगातार दे रहे हैं। बिफोर वी लेट यू गो, एक अंतिम प्रश्न डॉक्टर गुप्ता आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी हमने कोविड के दौरान और कोविड के बाद भी हम लोग लगातार ये देख रहे हैं कि पीपल एक लोगों में एक अवेयरनेस आई है कि वो एक कन्वेंशनल मेडिसिन सिस्टम से हट करके ऑल्टरनेटिव देखने लग गए, एक होलिस्टिक अपने सेहत के प्रति थोड़ा सजग हो रहे हैं। तो ऐसे में एक अंतिम प्रश्न बस आपसे है कि हम इस कोविड में और पोस्ट कोविड में होम्योपैथी की क्या रेलेवेंस है, इस पर अगर आप दो शब्द कह सकें हमारे बिफोर वी लेट यू गो तो बहुत अच्छा लगेगा हमारे दर्शकों के लिए। श्योर, क्योंकि ये एक हमारा कोविड पेंडेमिक ऐसा टाइम आया जो जिसने वर्ल्ड को हिला के रख दिया, और मेरे ख्याल से शायद ही कोई शहर और कंट्री ऐसी बची होगी या कोई फैमिली ऐसी बची होगी जिनका उसका प्रभाव उसके ऊपर उनके परिवार के जनों पर ना पड़ा हो, किसी ना किसी ने अपने को नहीं खोया हो। शायद मेरे ख्याल से ऐसा कोई परिवार रहा होगा जिसमें नियर एंड डियर वन को लूज नहीं करा, विच हैज बीन वेरी अनफॉर्चुनेट। पर अब ये घर जो हुआ वो तो हुआ, पर अभी भी हम जो देख रहे हैं कि जो लोग कोविड से पीड़ित रहे, उनकी चाहे फर्स्ट वेव में थे या सेकेंड वेव में थे या थर्ड वेव में थे, उनकी जो इम्यूनिटी थी वो कॉम्प्रोमाइज हुई। कई बारी एक पेशेंट को जिसको फर्स्ट टाइम कोविड हुआ उसको दोबारा भी हो गया या उसको थर्ड टाइम भी हुआ, तो हमने ये देखा कि जो पेशेंट वहां से कोविड के बाद ठीक हो भी गए उनके कुछ लक्षण वो अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि पोस्ट इसमें शेयर। यस यस, यू शेयरिंग योर स्क्रीन। हाँ, तो इसमें जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं इसमें हम आमतौर पर देख रहे हैं कि पेशेंट को फटीग है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कफ, जॉइंट पेन, चेस्ट पेन, मेमोरी कंसंट्रेशन और स्लीप प्रॉब्लम, मसल पेन और हेडेक, फास्ट और पाउंडिंग हार्ट बीट, पैल्पिटेशन शुरू हो रही है, लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट। ये तो आम सिम्टम हैं जो कि उसमें दिख रहे हैं मरीज में पोस्ट कोविड के। और इसके बाद जो पोस्ट कोविड मैनेजमेंट में करके दवाइयों को मैं छोड़ दूंगा, दीज आर अदर जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फीवर, डिजीनेस, खड़े होने पे चक्कर आना, सिम्टम्स जो उनके पहले थे उनको प्रॉब्लम बढ़ गई, वर्सन द सिम्टम्स इन मेंटल एक्टिविटीज, फ्रीक्वेंट सडन अर्ज ऑफ यूरिनेशन,
एंड फियर ऑफ रेकरेंस, ये एक कुछ आम लोगों में देखने में आ रहा है कि जो कोविड के से पीड़ित रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमने उन लोगों को देखा जो आमतौर पे वो एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कोविड पोस्ट कोविड सिम्टम है, ये रहेगा कुछ समय में, धीरे धीरे चला जाएगा, तो परंतु जो उनकी खांसी है कहीं होगी 3-3 महीने 6-6 महीने तक वो उससे पीड़ित रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे जब वो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आते हैं और हम उनकी पूरी अपनी केस टेकिंग करते हैं तो हमने पाया कि बहुत ही कम समय में उनके वो लक्षण ठीक हो गए, जिनके लिए कि वो उनको कहा गया था कि ये मतलब यू हैव टू लिव विद इट। तो यहाँ पे एक होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम के लिए पोस्ट कोविड सिम्टम है, उसमें हमने होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल देखा। अभी लेटेस्ट जो सिचुएशन हो रही है वैक्सीनेशन, इट हैज बीन कंसीडर्ड टू बी देयर इज अ लॉट ऑफ ओपिनियंस फॉर एज वेल एज अगेंस्ट वैक्सीनेशन। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर शायद हम घंटों चर्चा करते हैं तो अभी शायद निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसमें WHO, बहुत सारी गवर्नमेंट्स और बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी की क्या क्या है, वास्तव में किसी को भी कुछ पता नहीं। तो मैम, आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू मेक अ कमेंट ऑन दिस, बट वॉट वी हैव सीन इन आवर प्रैक्टिस, देर आर पीपल हु आर गेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन, which are gastric irritability, worsening of neurological symptom, worsening of respiratory problem, sleeplessness, unusual pains, and menstrual irregularities in females. These are the areas where we have seen quite a good number of patients have come to us and told about these complaints which they developed only after the vaccination. जी, मैं यहाँ पे आपको एक बहुत छोटा सा एक वो बताना चाहूँगा कि this is a one patient of ALS and MND. जो ये जून का मेरे पास पेशेंट था, ही वाज इन अ मच बेटर कंडीशन। पहले जब ये मेरे पास आए थे पेशेंट तो इनको गोदी में उठा के लाया जाता था, फिर अब ही वाज मच बेटर, दिस वाज इन जून। इंटरेस्टिंग इम्पोर्टेंट केस, ठीक है, ये जून में थे जी, और ये जुलाई में, एक महीने बाद, जब क्योंकि ये पेशेंट बाहर दिल्ली से बाहर के हैं, बाहर से आते हैं। अब आप देखिए इन पेशेंट की कंडीशन पहले से खराब हुई, जितना ठीक हुए थे उनके वापसी हुई। आप देखें इनको जरा, राइट, ही हैड लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ स्टैंडिंग इवन। आप देख सकते हैं देयर इज अ लॉट ऑफ इंस्टेबिलिटी। एंड देन now this the patient was in February because he was not staying in Delhi, he used to come from far off distance. उसके बाद की जहाँ पे उनकी जो problem हुई थी vaccination के बाद, as we say कि उनके effect है, but homeopathy had been very effective and helpful in warding off the ill effects of what he got, and the same patient could be help with homeopathic medicine. Here we do not say underestimate or undermine the efficacy of vaccination, but yes, what I want to say and emphasize ki jin logon ko vaccination ke baad koi problem hoti hai to wo bhi kisi apne nikatam homeopathic doctor ke paas jaye aur unse ilaaj karaye to unki jo problem badi hai wo bhi dobara theek ho sakti hai. Yahan pe ye kehna main bilkul uchit nahi samajhta ki vaccination ko bilkul nakara jaye, but yes, jaise ki hum pehle bhi kehte hain, har vyakti ki अपनी अपनी क्षमता होती है और अपनी अपनी टॉलरेंस होती है, तो किसी को किसी चीज का दुष्प्रभाव भी हो सकता है, तो ऐसे दुष्प्रभाव होने पे भी आप होम्योपैथी का उपयोग
कर सकते हैं बिकॉज दैट हेल्प्स पीच पेशेंट देयर एंड वी हैव बीन एबल टू सी नंबर ऑफ पेशेंट जहां पे होम्योपैथी ने उन लोगों को भी बहुत अच्छे ढंग से हेल्प करा। कुल मिला के मुझे लगता है आप ये कहना चाह रहे हैं कि होम्योपैथिक ने कोविड में जैसे बहुत लोगों को अलग अलग तरीके से इफेक्ट किया है। कुछ लोगों के बाद बहुत सीवियर यू नो सिम्टम्स थे, बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हुई, वहीं कुछ लोगों को बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ, उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग थी दैट दे वर नॉट इवन अफेक्टेड इन द लीस्ट, दे वर एबल टू डू एवरीडे चोर्स आराम से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो ऐसे में मुझे लगता है होम्योपैथी उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मददगार हो सकती है जिन्हें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, जिन्हें एक सपोर्टिव मेडिसिन की आवश्यकता है इवन आफ्टर वैक्सीनेशन। तो आप अपने आसपास के निकटतम जो भी होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं आप उनको संपर्क कर सकते हैं, आप किसी प्रतिष्ठित डॉक्टर जैसे हमारे डॉक्टर गुप्ता यहाँ पर हैं, आप ऐसे किसी सीनियर डॉक्टर से मिल सकते हैं जो आपके केस को बेहतर समझ करके आपको कुछ ना कुछ सपोर्टिव कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन ऐसी दे सकते हैं कि आप उन दुष्प्रभावों से बेहतर तरीके से ठीक हो सके। वैक्सीनेशन के बाद आप जितनी जल्दी ठीक होंगे उतना ज्यादा आप इफेक्टिव यू नो काम कर पाएंगे, आप वापस अपनी पूरे पुरानी जीवन शैली पे जा पाएंगे। तो ऐसे में मुझे लगता है डॉक्टर गुप्ता की सारी बातचीत आज बहुत ही ज्यादा काम कर रही है और विशेषकर पूरे देश के सभी दर्शकों के लिए आज हमने होम्योपैथी पर जितनी विस्तृत बातचीत की है इतनी शायद ही कभी की हो और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आए हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी अंतिम में कि थैंक यू सो मच डॉक्टर गुप्ता कि आप हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में। मेडिसर्कल की पूरी टीम की ओर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इट वॉज सच अ लवली प्लेजर हैविंग यू टुडे एंड वी लर्न सो मच फ्रॉम यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।